हेलो साथियों, मैथ्स बाय प्रदीप सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास के अंदर HSSC प्रीवियस ईयर पेपर की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, लाइव क्लासेज भी हुई हैं, कुछ ऑफलाइन क्लासेज हुई हैं, तो हर तरह की क्लासेज आपकी साथ ही दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर के कम से कम 15 क्लासेज हो चुकी हैं और ये सातवां पेपर है आज हमारा HSSC का। तो ये जो पेपर है ये 3/2018 एडवर्टाइजमेंट है, हरियाणा पुलिस का पेपर है, कैटेगरी नंबर 2 का, वो आप लोग देख लेना। अब तो HSSC का पेपर है ये, अभी 2018 में जो हरियाणा पुलिस के जो लास्ट एग्जाम हुए थे उन्हीं में से ये एक पेपर है। इसके अंदर मैथ के जितने सवाल पूछे गए सारे के सारे इसी क्लास के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई ज़्यादा सवाल तो HSSC पूछता नहीं है, लेकिन कुछ सवाल हैं और थोड़े से HSSC के जो सवाल होते हैं वो 11th 12th के मैथ में से आते हैं। मतलब HSSC जिन भी एग्जाम्स में मैथ के सवाल पूछता है नॉर्मली, वो 11th और 12th के मैथ में से पूछता है। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी के भी कुछ सवाल देखने को मिल जाते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी के ऊपर तो मैंने पूरी की पूरी क्लास एक प्रोवाइड करवा दी है, तो प्लेलिस्ट में देख लेना आप, लगातार सारे के सारे पेपर एक के बाद एक सारी सीरीज मिल जाएंगी। तो साथ ही साथ सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैथ्स बाय प्रदीप सर टेलीग्राम पर जुड़ें। वहाँ पर हर क्लास की PDF, इस क्लास की भी PDF, हर क्लास की PDF विद वीडियो सॉल्यूशन लिंक आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे ही आपका वहाँ पर कोई सवाल अटकता है तो आप डायरेक्टली वीडियो लिंक पर क्लिक करेंगे, वो क्लास आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो उसमें आप लोगों का बहुत फायदा होता है, क्योंकि बच्चों देखो मेहनत बहुत होती है यहाँ पर। पहले PDF के लिए सवाल इकट्ठे करने पड़ते हैं, इंग्लिश हिंदी में उनको मैनेज करना पड़ता है, फिर उनका PDF तैयार करनी पड़ती है। तो मतलब इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है, तो आप लोगों का भी थोड़ा सा दायित्व तो बनता है कि जो आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवाई जाती है क्लास के बाद, एक बार उनको जरूर करें। सारी की सारी PDF अवेलेबल है टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ से डाउनलोड करें और उनको सोल्व करें। लगातार एक के बाद एक मैराथन क्लासेज आती जा रही हैं, प्रोबेबिलिटी की मैराथन क्लास आ चुकी है, उसको देखिएगा। चाहे HSSC हो या फिर कोई IBPS, कोई बैंकिंग का एग्जाम हो, प्रोबेबिलिटी का सवाल उस क्लास से बाहर नहीं बनेगा। उस क्लास के अंदर हर तरह की प्रोबेबिलिटी के सवाल मैंने करवा दिए हैं, उसकी भी PDF टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये हरियाणा पुलिस का पेपर 3/2018 एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। तो पहला सवाल देखो क्या कहा है, 6 की पावर n माइनस 5 n को डिवाइड बाय 25 और हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। इस तरह से कोई सवाल दिया हुआ है और हमें निकालना है भाई रिमाइंडर यहाँ पर क्या निकलेगा। तो ये जो n दिया हुआ है ना बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, n जो होता है हमारा वो होता है नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी हो सकती हैं 1, 2, 3, 4, मतलब एक से स्टार्ट करके जितनी भी संख्याएं होती है ना, प्लस की पॉजिटिव संख्याएं, सारी नेचुरल नंबर्स होती है। तो यहाँ पर हम n की कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट कर लेता हूँ, अगर मैं 1 पुट कर लेता हूँ तो 6 माइनस 5 मेरा 1/25 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, ये डिविजिबल नहीं है, यानी कि 6 की पावर 1 माइनस 5 × 1, इस तरह से इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा मेरा 1/25, यानी कि यहाँ पर ये संख्या डिविजिबल नहीं है 25 से, तो मतलब सीधा सीधा रिमाइंडर मेरा 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम एक दो संख्याएं और इनकी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, हमारा क्या है, हम कंफर्म हो जाएंगे सवाल के आंसर के बारे में। तो 6 की पावर अगर मैं 2 पुट कर लेता हूँ तो मेरा हो जाएगा 36 माइनस 5 × n, 5 × 2 = 10 डिवाइड बाय 25। अब 36 को जब मैं 10 में से माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 26 डिवाइड बाय 25, 26 को 25 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरे पास 1 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा था और यहाँ पर भी रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है। इसी अकॉर्डिंग अगर आप n की वैल्यू कोई 3 पुट करोगे तो भी रिमाइंडर 1 आएगा, n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो भी रिमाइंडर 1, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर n की जगह पे पुट कर लो। ये सवाल इस तरह से उसने सेट किया हुआ है कि n की कोई भी वैल्यू पुट कर लो आप, नेचुरल नंबर पॉजिटिव संख्या, कि उसका जो आपका रिमाइंडर आएगा 25 से डिवाइड करने के बाद हमेशा 1 ही आएगा। तो इस सवाल का हमारा जो आंसर होगा ना वो भी 1 ही होगा। इस सवाल का हमारा आंसर, ऑप्शन की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो मेरा ऑप्शन नंबर है सी, ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो इसी के साथ हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल HSSC के पेपर में पूछे गए हैं सारे के सारे। तो अगला जो सवाल है वो प्रोबेबिलिटी से दिया हुआ है, 1 सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम 1 बार पस्त भाग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ए क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, जब भी 1 सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा, कोई 1 सिक्का है, 1 सिक्के को जब 1 बार उछाला जाता है तो हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनते हैं, वहां पर 2 बनते हैं। लेकिन मैंने कहा था जब भी सिक्के को जितनी भी बार उछालेगा हमें 2 की पावर उतनी ही लेनी है। 3 बार उछालेगा तो 2 का क्यूब लेंगे, 4 बार उछालेगा तो 2 की पावर 4 लेंगे। अब यहाँ पर उसने कहा भाई सिक्के को 2 बार उछाला है तो 2 की पावर 4
यानी कि टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे कितने बनेंगे भाई, चार बनेंगे, और इसी को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। अब ये होते क्या चीज़ें, इनके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में मैंने वो प्रोबेबिलिटी की क्लास जो कराई है उस क्लास को देखना, सब कुछ विद डिटेल करवा दिया सारी ये सारी प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर जो केसेस बनेंगे एक बार वो और देख लेते हैं। हेड हेड, दोनों के ऊपर हेड आ सकता है मेरा, टेल टेल भी हो सकता है, हेड टेल और टेल हेड, ये चार केसेस बनेंगे जब एक सिक्के को दो बार उछाला जाएगा या फिर दो सिक्कों को एक बार उछाला जाएगा। आगे क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल अपीयर्स, एट लीस्ट वन टेल, ठीक है, यहां पर उसने एट लीस्ट की बात की है, एट लीस्ट वन टेल, ठीक है। मैं दोनों बातें कराऊंगा, एक होता है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वन टेल, इन दोनों के बीच डिफरेंस होता है, प्रोबेबिलिटी वाली क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है, यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से भी बता देता हूं। तो एट लीस्ट वन हेड का मतलब हो गया कम से कम एक टेल हो, कम से कम एक टेल यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, जब यहां पर दोनों के दोनों टेल दिए हुए हैं तो कम से कम एक टेल तो यहां पर भी है, तो यानी कि तीन केसेस हो जाएंगे हमारे। ये हमारा सैंपल पॉइंट होता है ऊपर, और नीचे हमारा सैंपल स्पेस, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 3/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर वो बोल दे भी एग्जैक्टली वन टेल, एग्जैक्टली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक टेल होना चाहिए, केवल मात्र एक ही टेल होना चाहिए, तो यहां पर एक बार ये रहा एक बार ये रहा, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर टेल दो है, वहां पर उसने कहा था भाई कम से कम एक हो, और यहां पर उसने कहा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही टेल हो, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इन दोनों को काउंट कर जाएंगे, तो दो सैंपल पॉइंट और इनसे सैंपल स्पेस 1/2 उसकी हमारी क्या हो जाती, प्रोबेबिलिटी हो जाती। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी के टॉपिक के अंदर सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक ही क्लास के अंदर, 3 घंटे की क्लास है, कोई ज़्यादा बड़ी क्लास तो है नहीं, इतनी दुनिया भर की वीडियो देखते हो, 3 घंटे की क्लास देखोगे और उसमें कितने काम की चीज़ें हैं, उसकी PDF टेलीग्राम मैथ्स बाय प्रदीप सर के ऊपर है वहाँ से, और उसका जो लिंक है PDF का वो भी वहाँ पर दिया हुआ है। तो क्लास आप लोगों के लिए इतनी मेहनत के साथ बनाई है तो उसको जरूर देखना। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो भी देखो अगला सवाल कितना अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर, APGP का, GP का सवाल दिया हुआ है, APGP सारा सब नंबर सिस्टम के अंदर मैंने करवा रखा, जिस बच्चे ने वहां पर किया होगा उसका ये सवाल गलत होना ही नहीं था। द फोर्थ टर्म ऑफ ए GP, कोई GP है उसकी चौथी टर्म दी हुई है, इज इक्वल टू, कोई GP है, GP सीरीज की हम बात कर रहे हैं, उसकी जो चौथी सीरीज है हम उसको A4 लिख लेते हैं, चौथा जो पद है उसका वो इक्वल टू दिया हुआ है मेरा, बराबर है स्क्वेयर ऑफ द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म को हम लिखेंगे A2, क्योंकि हमें पता ही नहीं है अभी A1 क्या है A2 क्या है, क्योंकि पहली जो टर्म होती है फर्स्ट टर्म A1 उसको हम A मान के चलते हैं, सेकेंड टर्म हमारी A2 होती है और थर्ड टर्म को हम लेते हैं A4, इसी तरह से हम लगातार लेते रहते हैं, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बेसिक बातें हैं। तो यहाँ पर उसने कहा भी इसका स्क्वेयर और ये हमारा दोनों क्या है, बराबर है। अब आगे देखो क्या कहा है, जो पहला पद है वो -3 है, यानी कि A इज इक्वल टू, A मेरा फर्स्ट टर्म होती है वो है -3 के इक्वल। आगे देखो क्या कहा है, आगे कहा है तो सातवां पद निकालना है भाई, A7 इज इक्वल टू क्या होगा, A7 की हमें वैल्यू निकालनी है भाई, A7 बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो इस सवाल को करेंगे, बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है इस सवाल के अंदर। जब मैंने GP AP HP लगातार तीनों एक एक क्लास दो दो क्लास इनके ऊपर दी थी, नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाकर भी देखना, सारा बिल्कुल बेसिक से बताया, और बेसिक जिस बच्चे को आता है इस सवाल को करने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, जिस बच्चे ने बेसिक नहीं किया डायरेक्ट फॉर्मूले रटे हैं वो इस सवाल को कभी नहीं कर पाएगा। तो भाई यहाँ पर देखो उसने क्या कहना चाहता है, हमारा क्या होता है, हमने एक बात पढ़ी थी, एक फार्मूला था हमारा GP के अंदर, यहाँ पर मैं GP की बात कर रहा हूँ, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, गुणोत्तर श्रेणी की मैं बात कर रहा हूँ। An हमारा होता है A(r)(n-1), आर हमारा कॉमन रेशो होता है, जो कॉमन रेशो होता है हमारा वो आर होता है। तो यहाँ पर देखो उसने क्या कहा है, अगर मुझे A4 लिखना है यहाँ पर n की जगह पे, अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो मेरा क्या बनेगा, A(r)(n) कितना है मेरा, n बराबर है 4 के, 4 में से एक जाएगा 3, बराबर हो जाएगा मेरा किसके, A2 का स्क्वेयर, A2 मेरा कितना हो जाएगा A गुणा, अगर मैं यहाँ पर n की पावर दो यूज करता हूँ तो मेरा यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, इस तरह से ये मेरा इक्वल आ जाएगा, और इसका स्क्वेयर भी मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वेयर दिया हुआ है, ठीक है। r की पावर 1 थी उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इसके स्क्वेयर के इक्वल हो जाएगा, बस यही बात थी, जिस बच्चे ने यहाँ तक इस सवाल को कर लिया आगे उसके लिए इस सवाल में कुछ नहीं बचा। तो A into r का क्यूब
बराबर हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा ए स्क्वेयर गुणा ये भी आर का स्क्वेयर, ठीक है। तो आर के स्क्वेयर से ये पावर मेरी कैंसिल हो जाएगी, ए से मेरी ये पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर मेरा आ गया आर बराबर है ए के, और ए मेरा कितना दिया हुआ है यहाँ पर माइनस का तीन, ए मेरा माइनस का तीन दिया हुआ है। अब मुझे निकालना क्या है बच्चों, मुझे निकालना है ए की पावर सॉरी ए सेवन यानी कि सेवन्थ टर्म। तो ए सेवन मेरा इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू आर की पावर सात माइनस एक यानी कि छ के, ठीक है। तो ए मेरा कितना दिया हुआ है यहां पर देखो, ए मेरा यहां पर भी दिया हुआ है माइनस का तीन, ठीक है, माइनस का तीन गुणा, और आर मेरा कितना है, आर यहां से निकल के आ गया मेरा माइनस का तीन, माइनस के तीन की पावर छ, ठीक है भाई। तो यहां पर क्या हुआ, ये माइनस का तीन ऐसे कैसे गुणा, ये माइनस का तीन और इसकी पावर छ है, ये माइनस का तीन और इसकी पावर छ है। तो इसका जो जब भी हमारी जो पावर होती है वो इवन नंबर होती है, तो अगर माइनस दिया हो यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर आएगा हमारा, ये हमारा पॉजिटिव नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा नेगेटिव लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर ये मेरा आ जाएगा लगभग 729 के इक्वल, तीन की पावर जब छः करोगे, तीन तिया नौ तिया सत्ताईस तिया इक्यासी तिया 243 तिया 729, ठीक है। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर एक तीन मेरा माइनस का है, तो यहाँ पर साइन माइनस का ही आएगा जब माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई की जाती है, और ये आ जाएगा मेरा 2100। आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए ऑप्शन 2187। बिल्कुल आसान सवाल है, 2187 आंसर आ जाएगा इस सवाल का, माइनस के अंदर कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या कहा है, द मीन ऑफ सिक्स ऑब्जर्वेशंस इज एट, छह संख्याएं हैं उनका जो माध्य है वो आठ है, ठीक है। छह संख्याओं का माध्य हमारे पास कितना दिया हुआ भाई, आठ दिया हुआ है। आगे यदि प्रत्येक पर्यवेक्षण को तीन से गुणा कर दिया जाए तो नया माध्य क्या हुआ, हर एक संख्या को अगर तीन से गुणा कर देंगे तो माध्य को भी तीन से गुणा कर दो भाई, मीडियन में क्या दिक्कत है। तो हमारा जो नया माध्य होगा वो 24 हो जाएगा। इस सवाल में कुछ खास नहीं था, बिल्कुल बेसिक सवाल पूछा गया था। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ो, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, एचएसएससी के पेपरों में और रेलवे के पेपरों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, और साथ ही आपके बैंकिंग के पेपरों में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा टॉपिक मैं करवा चुका हूँ, इससे जुड़े हुए हर तरह के सवाल, एचएसएससी के प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सवाल, बैंकिंग में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, प्ले लिस्ट में देख लेना आपको मिल जाएंगे। 2x² + kx + kx + 3 = 0, ठीक है। और यहां पर दिया हुआ है में के का मान खाली स्थान है, हमें के की वैल्यू निकालनी है, ये जो के दिया हुआ ना इसकी वैल्यू निकालनी है, जिससे इसके दो मूल समान हो जाए, यानी कि इसके दो इक्वल रूट्स निकल जाए। तो इसके जो रूट होंगे ना वो इक्वल होंगे, रूट्स जो होंगे ना वो इक्वल होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा ये साथ के साथ ये बातें जरूर आएंगी। कई सारे पेपरों में ऐसे सवाल आए हैं, एचएसएससी की मैथ्स मैराथन क्लास एचआरजी के बाय बी के चैनल पर मैंने डाली हुई है, 8 घंटे की क्लास है। एचएसएससी के सारे प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे हुए सवाल वहां पर करवा रखे हैं, ये सवाल भी 2-3 सवाल इस तरह के थे, सारे करवाए थे। तो जब भी ऐसा सवाल दिख जाए ना तो सीधे सीधे एक बात याद करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर होता क्या है, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ac, ठीक है, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ac, ये मेरा ए होता है, ये मेरा बी होता है और ये मेरा सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं b की बात करूँ तो b में मेरा क्या दिया हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर है 0 के, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इस तरह से बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ac, सिर्फ इस बात को याद रखो। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी, k, k का स्क्वेयर किसके बराबर हो जाएगा मेरा 4ac, 4 × a कितना है 2 और c कितना है 3, तो k का स्क्वेयर मेरा हो जाएगा 4 × 8 = 24। और इसके यहाँ पर k की अगर मैं वो बात करता हूँ तो इसके ऊपर हमारा रूट आ जाएगा, जब मैं यहाँ से इसको k निकालूंगा तो रूट करते ये हमारा आ जाएगा 4 × 6 = 24, 2√6 प्लस माइनस 2√6, ये मेरा आंसर होगा इस सवाल का। तो हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्यों है, इसके बारे में मैंने शायद बता रखा है उस क्लास में भी, जो स्क्वेयर रूट्स वाली क्लास करवाई थी उसमें मैंने बता रखा है इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से, ज़्यादा इन चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उस क्लास को देखना आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखो, तो भी देखो अगले सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है तो, यानी कि इफ़ द नंबर्स कैन बी रिपीटेड, ठीक है, डिजिट्स को रिपीट किया जाए, तो 1 2 3 4 5 नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3
5, 5 नंबर है। और कितने दो अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती है, हमें बनानी है दो अंकों वाली सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से दो डब्बे बना लेंगे जब भी ऐसा सवाल दिखेगा, चाहे तीन की बात करें, चार की बात करेगा तो चार, पाँच की करेगा तो पाँच। तो यहाँ पर अब हमें निकालना है सम संख्या, यानी कि सम संख्या अगर हमें बनानी है तो हमारा जो इकाई का अंक यूनिट डिजिट होना चाहिए वो हमारा इवन होना चाहिए। अब इवन वो कैसे हो सकता है, यहाँ पर कितने केसेज ऐसे हैं जिनसे पुट करने से हमारा इकाई का अंक सम रहेगा, तो दो और चार को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, यानी कि दो वैल्यू ऐसी हैं जिनको पुट करने से हमारा ये जो संख्या है ये सम संख्या बनेगी इकाई की जगह पे। अब उसने रिपीटेड की बात की भी, हम संख्याओं को रिपीट कर सकते हैं, अगर हम संख्याओं को रिपीट कर सकते हैं तो हमारा जो इकाई का दहाई का अंक होगा वो हम पांच तरीकों से यहाँ पर डाल सकते हैं, और पाँच गुणा दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह की 10 संख्याएं हम यहाँ पर बना सकते हैं, 10 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अगला सवाल देखो, तो भी देखो अगला सवाल क्या दिया हुआ है, दो पानी के नल एक टंकी को 9 सही 3/8 घंटों में भर देते हैं। मान लीजिए दो नल दिए हैं ए प्लस बी, दोनों 9 सही 3/8 घंटे में इसको भर देते हैं, 9 × 72 = 3, 75/8 घंटों में वो क्या है पानी की एक टंकी को भर देते हैं। अब आगे क्या कहा है, टंकी को अलग से भरने के लिए बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है, यानी कि दो नल हैं इनमें से एक बड़ा है एक छोटा है, तो जब इनमें से इन दोनों में को अलग अलग हम ओपन करते हैं टंकी भरने के लिए, खाली टंकी को, तो जो बड़ा नल है वो छोटे नल से 10 घंटे कम समय लेता है, इनके बीच जो टाइम का डिफरेंस है वो 10 घंटे का है, ठीक है। अब आगे कहा क्या है, देखो टंकी को अलग से भरने के लिए छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया जाने वाला समय क्या होगा, यानी कि छोटे व्यास वाला नल जो है इस द्वारा लिया जाने वाला समय हमें निकालना है। तो ऐसे सवाल में बच्चों कुछ नहीं करना है, वैसे बेसिक से बनाओगे बड़ा लंबा बन जाएगा, तो टाइम एंड वर्क की क्लास में इसका बेसिक भी करवा दूंगा। यहाँ पर सीधा सीधा ट्राई ऑप्शन करो, ट्राई ऑप्शन कर लो, और यहाँ पर सीधा सीधा ए ऑप्शन को ट्राई कर लेते हैं पहले, 25 घंटे, अगर ए हमारा 25 घंटे में भर देता है तो बी हमारा कितने में भरेगा, ए हमारा तो बड़े नल वाला है ना, तो हमें निकालना छोटे वाला, ठीक है। तो बी की बात कर रहा हूँ, बी हमारा 25 घंटे में भर रहा है, तो ए हमारा कितने में भरेगा, इससे 10 घंटे कम में भरेगा, वो 15 घंटे में भर देगा। अब इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम आएगा हमारा 75, 15 × 5 = 75, तो ये मेरा 5 यूनिट और ये मेरा 5 × 25 = 75, 3 यूनिट। अगर दोनों को एक साथ ओपन कर देंगे हम तो कितने समय में भरेंगे, 75/5 × 3 = 8, यानी कि बिल्कुल सही सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। तो हमारा क्या होगा, जो छोटा नल है वो 25 घंटे में और जो बड़ा नल है बड़े व्यास वाला वो 15 घंटे में उस टंकी को भर रहा है। बिल्कुल आसान सवाल है, ट्राई ऑप्शन कभी कभी कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत फायदेमंद होता है। तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इससे जुड़ी हुई अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक क्लास प्रोवाइड करवाई जिसमें सारे के सारे फॉर्मूले एन नेचुरल नंबर्स के दिए हुए थे। तो एन नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है n(n+1)/2, ये होता है सम का फार्मूला एन नेचुरल नंबर्स का, सारे के सारे मैंने कराए थे, मेरे ख्याल से 20-25 मिनट की वो क्लास है, 10-12 फार्मूले हैं, उनसे जुड़े हुए सारे सवाल भी करवा दिए थे और सब कुछ करवा दिया था। तो उस क्लास में ये इस टाइप के सवाल मैं करवा चुका हूँ। तो ये तो हमारा कितना क्या हो गया, ये तो हमारा सम का फार्मूला हो गया, यानी कि योग, योगफल का। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें माध्य निकालना है, एन नेचुरल नंबर्स का माध्य निकालना है। हमारे पास जितनी संख्याएं होती हैं जब माध्य निकालना होता है तो हम उन सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी वो संख्याएं होते हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको भी एन से डिवाइड कर देंगे, इसको एन से डिवाइड कर देते हैं, तो एन से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, n+1/2। बिल्कुल सीधा सा सवाल है, सारे के सारे करवाए वहाँ पर, उस क्लास को जरूर देखना है बच्चों, उसमें सारे के सारे फार्मूले बता दिए, ये तो एक ही फार्मूला सीधा सीधा आया है, तो समझ सकते हो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और पेपरों में भी। तो यहाँ पर अगला जो सवाल दिया है वो दिया है 400 लोगों के एक सर्वेक्षण में, यहाँ पर कुछ दो तरह के लोग दिए हुए हैं, इस तरह से वेन डायग्राम बनाओगे तो ये सवाल बड़े आसान हो जाएंगे। टोटल कितने लोग हैं भाई, 400, कुछ लोग जो हैं वो एप्पल का जूस और कुछ जो है ऑरेंज का जूस, ठीक है, ये हो गए एप्पल वाले और ये हो गए ऑरेंज वाले। अब कहा गया है, सवाल को पढ़ो, 100 लोगों को सेब का रस पसंद है, एप्पल का कितनों को पसंद है भाई, 100 लोगों को एप्पल का पसंद है, बढ़िया बात है, और 150 लोगों को ऑरेंज का नारंगी का पसंद है, 150 लोगों को ये वाला पसंद है, बहुत अच्छी बात है, संतरे का रस तो सभी को पसंद होता है ना, और एप्पल का मिल जाए ऊपर से क्या बात बन जाती है, अच्छा, और 75 लोगों को दोनों तरह का पसंद है, ये और भी अच्छी बात है, 75 लोग ऐसे हैं जो दोनों पीना चाहते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं वो सिर्फ एप्पल को, कुछ ऐसे इसको, और 75 तो ऐसे भी आने दो जो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
न तो सेब और न ही नारंगी पसंद करने वालों की संख्या में बतानी है, जिसको न तो एप्पल का पसंद हो और न ही ऑरेंज का, हमें वो लोग निकालने हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये 75 लोग हैं ना, ये दोनों में कॉमन है, इनको एप्पल का भी पसंद है, इनको ऑरेंज का भी पसंद है, और टोटल अगर एप्पल वालों की बात करें तो वो कितने हैं, 100। यानी कि ये जो 100 है ना, ये 75 इसके अंदर ऐड हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इस 100 में से इस 75 को मैं माइनस करूंगा, तो केवल 25 लोग और ऐसे बचेंगे जिनको सिर्फ एप्पल का पसंद है, सिर्फ और सिर्फ एप्पल का पसंद है, वो केवल 25 लोग हैं। इसी तरह से 150 में से 75 माइनस करूंगा, तो 75 लोग ऐसे होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज का पसंद है और वो किसी और का नहीं पीना पसंद करते। यानी कि अगर मैं टोटल की बात करूं, जो एप्पल प्लस ऑरेंज दोनों का पीना पसंद करते हैं, वो हमारे कितने होंगे, ये 25 प्लस ये 75 और प्लस ये वाले 75। उसने कहा जो तीनों में से, दोनों में से कोई नहीं पीते, यानी कि इन तीनों में नहीं होने चाहिए, उन लोगों के बारे में उसने पूछा है। 150 और 25, 175, ठीक है, हमें निकालना है जो जिनको बिल्कुल दोनों वाला कोई भी पसंद नहीं है। तो टोटल 400 थे, 175 कोई ना कोई पसंद कर रहे हैं, तो बचेंगे कितने, 175 को माइनस कर दो जिसको कोई भी पसंद नहीं है, तो ये बचेंगे मेरे 225। 225 लोग हमारे पास बच जाएंगे, ऑप्शन की तरफ जाएंगे, तो डी ऑप्शन हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, यदि एक्स टू वाई थ्री जेड समानांतर सीरीज में एपी में है, तीन संख्याएं हैं एक्स टू वाई और थ्री जेड, ये क्या है, एपी में दी हुई है, ठीक है, एपी और जीपी से देखो दो सवाल आ गए इस क्लास के अंदर, पेपर के अंदर भी, जहां एक्स वाई जेड भिन्न संख्याएं हैं, अलग अलग संख्याएं, मतलब भिन्न संख्याओं का मतलब फ्रैक्शन के अंदर हैं, तीन संख्याएं हैं एक्स वाई और जेड, यहाँ पर एक्स वाई और जेड ये फ्रैक्शन में है, कोई बात नहीं, और जीपी में है, ठीक है, ये संख्याएं मेरी जीपी के अंदर हैं, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर हैं। आगे क्या कहा है, तो जियोमेट्रिकल जीपी का सामान्य अनुपात, कॉमन रेशो निकालना हमें, तो जीपी का जो रेशो होगा हमारा वो हमें निकालना है भाई क्या होगा। तो जीपी का रेशो बिल्कुल आसान तरीके से निकाल लेंगे, इस सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है। और भाई क्लास अगर अच्छी लगती है तो थोड़ा सा वीडियो को यार लाइक और शेयर तो कर दिया करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब थोड़ा सा एफर्ट आप लोग भी लगाओ, मैं आप लोगों के लिए इतना एफर्ट लगाता हूँ, तो मतलब थोड़ा सा कर दिया करो यार, अच्छा लगता है इन चीज़ों, ये सब चीज़ें जब आप लोग सपोर्ट करते हो तो हमारे मन में भी एक चीज़ जागती है कि भी बच्चों को और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। अगर आप लोग कोई रिस्पॉन्स, कोई सपोर्ट नहीं करते हो तो ऐसा लगता है कि यार चलो जो मन में आता है कराते चले, तो भी फर्क होता है इन चीज़ों का, थोड़ा सा कर दिया करो। बाकी मैंने तो अपना सिलेबस कराना ही, आप लोग शेयर करो, लाइक करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, और टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ दिया करो अपने साथियों को, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पर एपी सीरीज में जब भी कोई बात होती है ना, कोई भी एपी सीरीज का जो एक रूल होता है वो होता है हमारा, जैसे ये तीन संख्याएं हैं, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है, मैंने बिल्कुल एपी जीपी इतने बेसिक से कराया कि इन सवालों में बच्चों को डाउट आना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमारा होता है 2b = a + c, इस तरह से फार्मूला बनता है हमारा, यानी कि या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b = a + c / 2। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ है, इस चीज़ का ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि ये जो संख्या है ना 2y, इसका दो गुना बराबर हो जाएगा इसका और इसका सम के, पहली और तीसरी संख्या के सम के इक्वल हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 4y = x + 3z, और y मेरा किसके बराबर आ जाएगा, x + 3z / 4 के, क्योंकि ये 4 उधर आ जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन बन जाती है हमारे पास। इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, डिब्बे के अंदर, इंपॉर्टेंट रहेगी, आगे यूज होगा। अब यहाँ पर बात करेगा वो जीपी की, एक्स वाई जेड तीन संख्याएं हैं, ये जीपी में है, निकालना हमें कॉमन रेशो है। सबसे पहले जब भी जीपी की बात होती है तो कॉमन रेशो की ही बात आती है, और यहाँ पर हमारा रेशो क्या है, ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, यहाँ पर वाई अपॉन एक्स दूसरी टर्म बटे फर्स्ट टर्म, तीसरी बटे दूसरी बराबर होती है हमेशा जेड बटे वाई, इस तरह से ये कॉमन रेशो है, ये कॉमन रेशो है मेरा, यहाँ पर ये भी इन दोनों का रेशो हमेशा बराबर होता है, तभी कोई जीपी सीरीज बनती है। आगे भी कोई नंबर दिया होता है वो बटे ये तीसरी संख्या, तो इस तरह से कॉमन रेशो कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर होता क्या है, जीपी के अंदर एक और ट्रिक फार्मूला बनता है इस तरह से, जैसे यहाँ पर ये बना है वाई स्केयर, जो पिछली संख्या ना, इसका स्केयर हमेशा इन दोनों के पहली और तीसरी के गुणनफल के इक्वल होता है। ये मेरी यहाँ पर दूसरी इक्वेशन नंबर 2 भी इसको लिख सकता हूँ, इसको अगर एक इक्वेशन मान के चलते हैं तो, ठीक है। सवाल थोड़ा सा लेंथी जरूर रहेगा,
कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, दो तीन कॉन्सेप्ट एक सवाल में यूज किए हुए हैं, लेकिन बच्चों अगर पेपर में पूछा है तो इसी तरह से होगा और कोई तरीका है नहीं इन सवालों को करने का। तो आगे देखो क्या कहना चाह रहा है, आगे मैं इस सवाल में करना क्या है। अब यहाँ पर मेरे पास आ गई ये वाई की वैल्यू और ये वाई स्क्वेयर की वैल्यू, तो भाई यहाँ पर y का स्क्वेयर दिया हुआ और यहाँ पर खाली y दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, y की दो बार वैल्यू हमारे पास आ रही है, एक स्क्वेयर में एक सीधी सीधी, इसको बराबर कर लेते हैं, इसको भी y का स्क्वेयर कर लेते हैं, दिक्कत क्या है। तो y का स्क्वेयर अगर हमें निकालना पड़ गया तो यहाँ पर वो क्या जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वेयर x प्लस 3z का होल स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वेयर, ये हो क्या जाएगा मेरा x का स्क्वेयर प्लस 9z का स्क्वेयर प्लस 6xz डिवाइड बाय 16, ये आ गया मेरा y का स्क्वेयर के इक्वल, ठीक है, y के स्क्वेयर के मेरा इक्वल आ गया। अब यहाँ पर y का स्क्वेयर मेरा xz के बराबर है और यहाँ पर इतनी बड़ी टर्म के बराबर है, इन दोनों को इक्वल पुट कर लेते हैं, यहाँ पर y स्क्वेयर और यहाँ पर भी y स्क्वेयर दोनों बराबर हैं, तो xz को और इसको x का स्क्वेयर प्लस 9z का स्क्वायर प्लस 6xz बटे में 16, इधर आके गुणा हो जाएगा और इधर xz पुट कर लेते हैं, xz से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो बच्चों एक तरीका है जिस तरीके से मैं इन सवालों को समझा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं हर एक बच्चे को ये सवाल बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। जब आप लोग खुद से इन सवालों को करेंगे तो मैक्सिमम 30 सेकेंड आपको लगेंगे इन सवालों को करने में, ठीक है, प्रैक्टिस के ऊपर खेल होता है सारा। तो ये 16xz है, ये 6xz है, इधर आएगा तो ये 10xz बन जाएगा, ये x का स्क्वायर और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10xz और ये प्लस का 9z का स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा जीरो के, और ये मेरी एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर मुझे रूट निकालने हैं, तो यहाँ पर मेरे क्या बनेगा, मैंने बिल्कुल सीधे से बताया हुआ है, जिनकी जोड़ तो माइनस का 10 और गुणा प्लस के 9, यानी कि एक माइनस का 9 और एक माइनस का 1, और ये दोनों जेड से मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि यहाँ पर भी जेड और यहाँ पर जेड का स्क्वेयर है, ठीक है, तो माइनस का और साइन चेंज कर देंगे इनके, ये दोनों के एक 9z हो जाएगा और एक खाली जेड हो जाएगा। एक्स के यहाँ पर हमारे फैक्टर से करके देख लेना, बिल्कुल यही आएगा, यहाँ पर हमारे इसके जो रूट निकल के आएंगे इक्वेशन के, एक्स की जो वैल्यू आएंगी, एक 9z आएगी और एक खाली जेड आएगी। अब हम यहाँ से इस 9z को उठा लेते हैं और हमारे पास जो रेशो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, जो कॉमन रेशो है हमारा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको, कॉमन रेशो हमारा क्या दिया हुआ है, वाई अपॉन एक्स बराबर है जेड अपॉन वाई के, ठीक है, तो जेड अपॉन वाई की बात कर रहा है, तो यहाँ पर वाई हमारा किसके बराबर है, वाई हमारा एक्स, वाई का स्क्वायर तो हमारा एक्स जेड के बराबर है, तो हम यहाँ पर हमने क्या निकाला, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है 9x, तो हमने एक्स की वैल्यू तो निकाल ली, एक्स की वैल्यू 9z निकाल ली हमने। अब इस x की वैल्यू को ना इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं जिससे हमारे पास y की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है, हमारे क्या है यहाँ पर y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स जेड, एक्स की वैल्यू मेरी क्या दी हुई है यहाँ पर 9z, तो मैं 9z ले लेता हूँ, यहाँ पर 9z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9z का स्क्वेयर। अब मुझे यहाँ से स्क्वेयर निकालना है, स्क्वेयर निकालना तो दोनों तरफ मैं रूट कर देता हूँ, दोनों तरफ रूट करूँगा तो इनके स्क्वेयर अपने आप खत्म हो जाएंगे, तो स्क्वेयर खत्म होंगे तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 3z के, y मेरा बराबर आ गया 3z के, और यहाँ पर x मेरा आया है 9z और z के। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, इसके अंदर पुट करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर मन करता है वहाँ पर कॉमन रेशो मेरा ये है, तो z अपॉन y ये मेरा कॉमन रेशो है, तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर लेते हैं 3z, कॉमन रेशो था ना मेरा, तो यहाँ पर इसको r से डिनोट कर देते हैं और ये डिवाइड बाय 3z, ठीक है, जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा, इन द एंड मेरे पास क्या बचेगा 1/3 मेरे पास बच जाएगा। इस तरह से इन सवालों को किया जा सकता है, बिल्कुल आसान सवाल है और इसमें कुछ ज़्यादा इतना वो भी नहीं है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं यहाँ पर इसमें भी वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देखो आर मैंने लिया वाई अपॉन एक्स, वाई मेरा कितने के बराबर है भाई 3z के बराबर है, और एक्स मेरा किसके बराबर है 9z के बराबर है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 9z ही लिया है, तो z से z कैंसिल, 3 से ये मेरा 3 पे कैंसिल, 1/3 आ जाएगा मेरा, यहाँ पर 1/3 आ गया फिर से, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन में भी 1/3 दिया हुआ है, बिल्कुल इसका मतलब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो बिल्कुल आसान सवाल था, थोड़ा सा लेंथी जरूर है, मैंने पहले ही कहा था कि एक आध सवाल देखो हर एग्जाम में लेंथी होता है,
और उस सवाल को, हालांकि अगर आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे नहीं लगता 30 सेकंड से ज़्यादा सवाल इस सवाल को करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कभी भी इस सवाल को नहीं कर पाओगे। तो बच्चों एपी जीपी एचपी नंबर सिस्टम, तो प्लेलिस्ट देखो आप जब चैनल पर आए हो, क्लासेज आप देख रहे हो, आपको पढ़ाने का तरीका यदि अच्छा लग रहा है तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट देखो, उसमें मैंने क्या क्या अभी तक करवा दिया है, किस किस तरह की क्लासेज हैं, मैट्रिक्स मैंने पूरी करवा दिया, प्रोबेबिलिटी मैंने पूरी करवा दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी हो चुकी है, हाइट एंड डिस्टेंस पूरा हो चुका है, बहुत सारे टॉपिक है जो लगभग लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, और आगे भी लगातार आपको मैराथन क्लासेज मैंने बोला है, हर एक टॉपिक की एक मैराथन क्लास मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो भाई अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप चैनल पर नए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर लोगों नजर आ रहा है साथ ही, तो मैथ्स बाय प्रदीप सर अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो वहाँ पर मेरी फोटो लगी होगी, तो आप उस चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से जुड़े टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, वहाँ पर हर तरह की पीडीएफ, इस क्लास की भी हर क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी, बहुत सारी पीडीएफ अभी तक अवेलेबल है वहाँ पर, कम से कम 40-50 पीडीएफ तो आराम से मिल जाएंगे। तो भाई उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी है, तो एक बार फिर से मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।